अभी तक आपने स्कूलों में ए से एप्पल, बी से बॉल की पढ़ाई की होगी। अब आपको ऐसे स्कूल की किताब दिखाते हैं जिसमें ए से अर्जुन, बी से बलराम लिखा हुआ है। आखिर अल्फाबेट के साथ नए तरह के इस प्रयोग के पीछे की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अर्जुन। बी फॉर बॉल नहीं, बी से बलराम। सही सुना आपने, अंग्रेजी वर्णमाला की अजब गजब शब्दावली जो ली गई है हमारे पुराण और इतिहास की कहानियों से। अंग्रेजी की इस खास पुस्तक में लिखा गया है एच से हनुमान तो आर से राम। इस पुस्तक को तैयार करने के पीछे का मकसद बच्चों को पुराण और देश के इतिहास के बारे में जागरूक करना बताया जा रहा है। लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज में किताब का प्रिंट भी है, जल्द ही ये पुस्तक छपकर मार्केट में आ जाएगी। अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों के बारे में जो आजकल की जनरेशन, आजकल की पीढ़ी है, वो बहुत कम उसको नॉलेज है। तो जो बचपन से, बिल्कुल स्टार्टिंग से उनको थोड़ा सा भारतीय संस्कृति के बारे में उनका ज्ञानवर्धन करने के पर्पज से एक प्लान किया गया है, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्णमालाओं के अक्षरों के नाम पर जो पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उसको ऐसे इस तरह बदलने के प्रयास किया जा रहा है जिससे बच्चे अपनी जो भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से जान सकें। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब लाल मिश्रा ने बताया कि इस पुस्तक के जरिए बच्चे भारतीय संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। सोशल मीडिया पर इस तरह की अंग्रेजी वर्णमाला की पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। अंग्रेजी में किताब के छपने के बाद हिंदी वर्णमाला में भी इस तरह की शब्दावली तैयार की जा रही है, जिसके जरिए बच्चे पुराण इतिहास की जानकारी हासिल कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।